नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। नवरात्र के व्रत की सीरीज में आज मैं आपके साथ मेवा पाक की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि हम ड्राई फ्रूट से बनाते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट कुछ भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पे इसे मखाने, मूंगफली और नारियल जो सूखा हुआ गोला आता है उससे मैं बनाऊंगी। जनरली मेवा पाक में मेवा को लेकर के और उसको हम चाशनी में बर्फी की तरह जमा करके और छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा अलग तरह से मेवा पाक बनाऊंगी। इसको बनाने में चीनी की मात्रा बिल्कुल आधी हो जाती है और बस मैं ऐसे मेवा पाक बनाती हूँ कि जो मैं ड्राई फ्रूट लेती हूँ उसके ऊपर बस एक चीनी की कोटिंग हो जाती है, जिससे हमें इसको जमाना नहीं पड़ता है और चीनी की मात्रा अपने आप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मेवा पाक की रेसिपी। मेवा पाक बनाने के लिए यहाँ मैंने 30 ग्राम मखाना लिया, जिसको मैंने बीच से इस तरह से कट करके चेक कर लिया कि कहीं इसके अंदर कुछ है तो नहीं। यहाँ पे मैंने 40 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं, 50 ग्राम मैंने नारियल लिया, ये सूखा हुआ नारियल है जिसको मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 100 ग्राम यहाँ मैंने चीनी ली है। चलिए सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। आप इसको आधे चम्मच घी में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए ड्राई रोस्ट करके बनाऊंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर के छिलके निकाल दूंगी। आप इसको छिलके सहित भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी होगी उस तरह से आप बनाइएगा। ये देखिए मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको इस तरह से दोनों हाथों के बीच में मसल के हम इसके छिलके निकाल देंगे। ये आसानी से निकल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आप चाहें तो आप छिलके रख के भी बना सकते हैं। चलिए इसको पहले अभी हम रख देते हैं और अब हम उसी कढ़ाई में करीब 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देखिए 2 चम्मच देसी घी डाला और अब हम इसमें मखाने भूनेंगे। मखाने को भी आप बिना घी के भून सकते हैं, लेकिन मखाना थोड़ा सा ड्राई होता है इसलिए इसमें मैंने करीब 2 चम्मच घी डाला है। हमें इसको क्रंची होने तक भूनना है, जैसे जब हम इसको खाएं तो ये थोड़ा सा कुरकुरा कुरकुरा है क्योंकि मखाना सॉफ्ट होता है। ये देखिए इसको भूनने मुझे 3-4 मिनट लिए, गैस का फ्लेम मैंने लो पे रखा था। अब उसी कढ़ाई में हम जो चीनी लिए थे 100 ग्राम वो डालेंगे और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। इसकी हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है, यहाँ हमें कोई तार नहीं देखना है क्योंकि हमें चीनी की चाशनी बना के फिर से इसको चीनी के ही रूप में लाना है। गैस का फ्लेम मैंने लो और मीडियम के बीच में रखा है और इसको करीब हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे, जिससे ये काफी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए करीब 4 मिनट बाद चाशनी देखिए एकदम व्हाइट व्हाइट सी हो गई और किनारे से इस तरह से चिपकने लगी है, इसका मतलब चाशनी हमारी 80% तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे नारियल जो मैंने छोटे टुकड़ों में काटे थे वो डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से चाशनी में मिला देंगे। इसके बाद मूंगफली दाने को भी डाल के मिलाएंगे इस तरह से, जिससे कि चीनी की कोटिंग सब पे हो जाए। अब हमें हाथों को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है और मखाने डाल के हमें चाशनी में सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला देना है। मखाने को हम बाद में इसीलिए डालेंगे जिससे मखाना काफी देर तक चाशनी में ना रहे, नहीं तो मखाना सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए जब एकदम से चीनी जमने की कगार पे आ जाए तभी आप उसमें मखाने डालिए। और अब हाथों को जल्दी जल्दी चलाना है कि जिससे चीनी सारी चीजों में अच्छी तरह से बस एक कोटिंग हो जाए उसके ऊपर, इतना ही है क्योंकि चीनी की मात्रा मैंने ड्राई फ्रूट के हिसाब से बहुत कम ली थी। ये देखिए अब हाथों को जल्दी जल्दी हम इस तरह से चलाते रहेंगे और आपको लगने लगेगा कि चीजें अब थोड़ी थोड़ी सूख रही हैं। ये देखिए कढ़ाई में भी आपको साइड से लग रहा होगा कि चीनी अब जमने लगी है और इसको हमें इस तरह से जल्दी जल्दी चलाना है क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो सारी चीजें आपस में चिपक जाएंगी क्योंकि चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को चिपका देगी। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके भी हमें करीब 1-2 मिनट तक इसको इसी तरह से चलाते रहना है कि जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए, क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म होती है इसलिए हमें इस तरह से चलाना बहुत जरूरी है। ये देखिए मेवा पाक एक दूसरे में चिपके हुए भी नहीं है और कितने खिले खिले से बने हुए हैं।
नवरात के व्रत में जब हमें प्यास लगती है तो बस दो चार दाने अगर हम इसके खा करके पानी पीते हैं तो पानी का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें काफी एनर्जी होती है क्योंकि ड्राई फ्रूट के साथ साथ इसमें शुगर भी है, जो कि एक व्रत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इस नवरात्रि इसको एक बार जरूर बनाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं, आपका जो मन हो आप इसमें वो ड्राई फ्रूट डाल करके और इसी तरह से उसके ऊपर चीनी की कोटिंग करके आप मेवा पाक बना सकते हैं। देखिए जब हम जमाते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा लगती है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट पे मेरे चीनी की कोटिंग अच्छी तरह से लग गई है, तो ये खाने में बहुत मीठे भी नहीं लगते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप। थैंक यू।